प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय की गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि साई उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। दोस्तों, आज जो आप यह वीडियो देख रहे हैं, ये साईनाथ की आपके ऊपर कृपा है, इसलिए बाबा ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है और आपसे साई कुछ कहने वाले हैं। तो आपसे साई यह कहने वाले कि तुम जिंदगी में कभी हार मत मानो। मेरे ऊपर तुम्हारी बहुत श्रद्धा है ना, तो तुम कभी आशा मत छोड़ो। तुम बहुत करीब हो अपनी मंजिलों से। मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है। मैंने अपने देवदूत को तुम्हारे पास भेजा है। आने वाले 8 दिन में तुम्हारे पास वो किसी न किसी रूप में आएंगे। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारी आर्थिक सहायता करूँगा। मैं तुम्हारे लिए नई अपॉर्चुनिटी ला के दूँगा। तुम्हारे अभाव के दिन अब खत्म हुए हैं। आज से तुम नई समृद्धि को छू लेंगे। अपना हौसला बनाकर रखो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे हर संकट से तुम्हें बाहर निकालूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम सिर्फ 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। और तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुम मेरे वचन से चल रहा है ना, तो मैं तुम्हारी तकदीर बना दूंगा, तुम्हारी झोली भर दूंगा और तुम्हारी झोली में इतना डालूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की है। साई को पाने के सिर्फ एक ही तरीका है और वह है तरीका भक्ति, जो तुम आज तक करते आ रहे हो। सबका मालिक एक है। साई कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा राम रहीम, कन्हैया, भोला शंकर, यही सब रूप आप मेरे अंदर देखते हो ना। तो जैसी आपकी श्रद्धा है, जिस नज़र से आप मुझे देखोगे, उस नज़र में आपको मैं दर्शन दूंगा। ओम साई राम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो। शिरडी के पावन नगरी से यह चैनल है। आपकी सारी मनोकामना बाबा पूरी करेंगे। ओम साई।